अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय से आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने व नेत्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। रैली में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। सामान्य चिकित्सालय से प्रारंभ हुई रैली को पीएमओ सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बिजलीगढ़ चौराया, कंपनी गार्डन, नंगली सर्किल से होती हुई पुणे सामान्य चिकित्सालय आकर संपन्न हुई। पीएमओ सुनील चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को नेत्रदान के संकल्प को लेकर जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया, भारत में करीब 2 करोड़ लोग नेत्र ज्योति से पीड़ित हैं। ऐसे में लोगों के द्वारा नेत्रदान करने से इन लोगों को नया जीवन मिल सकता है, जिससे इनके नेत्र विकार दूर होंगे और उनके जीवन में खुशहाली आएगी, जिससे देश की श्रम शक्ति में बढ़ोतरी होगी। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए नेत्रदान के बारे में, क्योंकि भारत के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग जो रोशनी से पीड़ित हैं, तो उनको नेत्रदान यदि मिलता है तो उनके नेत्र का विकार दूर होगा। दूसरा, वो अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं और देश की जो श्रम शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। कहाँ से ये सामान्य चिकित्सालय के परिसर से रैली शुरू होकर बिजलीघर चौराया, कंपनी बाग और उसके बाद अशोक सर्किल, नगली सर्किल पर होते हुए वापस सामान्य चिकित्सालय में समाप्त होगी।